एक्चुअली हमें एक छोटा सा थैली दिया था, थैली देने के बाद उसमें पकड़ने के लिए नहीं था, तो उन्होंने ये एक्स्ट्रा थैली दे दिया एंड एक्स्ट्रा थैली में भी एक्स्ट्रा और दे दिया। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप यू एंड योर फैमिली आर डूइंग गुड। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:19। सुबह सुबह उठते सबसे पहला काम है वो है गाड़ी धोना, क्योंकि गाड़ी दो दिन से काफ़ी गंदी हो रखी है, हमने काफ़ी चलाया, तो फटाफट जाके गाड़ी धोते, उसी के बाद फ्रेश अप होंगे, आई मीन ब्रश करेंगे एंड नहाएंगे, क्योंकि गाड़ी धोते धोते गंदा भी हो जाएंगे, इसलिए इट्स बेटर कि सबसे पहले गाड़ी धो। वैसे तो मुझे गाड़ी कल ही धोना था, बट कल हम लोग काफ़ी लेट आए, सब लोग सो गए थे एंड हम भी थक गए थे, तो इसलिए सोचा रात को तो धो नहीं पाएंगे, तो इट्स बेटर कि कल सो जाते एंड देन सुबह उठ के धोएंगे। सो आज जल्दी उठ गए, जल्दी आई मीन हमें तो 10 बजे तक निकलना था, बट जल्दी उठ गए तो फटाफट वॉशिंग करके ही निकलेंगे। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। उठ गए सब लोग? सब उठ गए, तुम सबसे लेट और आधा तुमको जगाने जा रही थी। वो चले गए स्कूल? नहीं। गुड मॉर्निंग। मुझे ये दो ना पाइप गाड़ी धोने का। लेकिन अभी तो इतना प्रेशर नहीं मिलेगा पानी। चलेगा, प्रेशर नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ अच्छे से मतलब, और एक कपड़ा चाहिए जिससे मैं साफ करूं। पतला क्या? हाँ गाड़ी तो मैं दे, पाइप कहाँ लगे? ओ शिट, गाड़ी धोने निकला और गाड़ी की चाबी में भूल गया। गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग, क्या कर रहे हो? अभी उठे आप? अभी उठे आप? आंटी जी गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह आप काम कर रहे हो? हेलो, गुड मॉर्निंग। तू आज स्कूल नहीं गई? क्यों? के जा रही है? किधर जा रही है? घूमने जा रही है? के जा रही है? देखो बोला जाएगा मंदिर में दर्शन करने। दर्शन करने? हम लोग दर्शन नहीं करने। फाइनली वी आर रेडी, बट निकलने से पहले सभी को मिल लेते हैं। वैसे अंकल और आंटी आई मीन दीदी के सास ससुर काम करने गए खेत में एंड भैया भी गए, तो फिलहाल अभी यहाँ पर जीजू को मिल लेते। चलो आरू। आरू आज स्कूल नहीं गई ना? आज का पढ़ाई मिस हो गया आरू का। थैंक यू सो मच, आपने बहुत हमारा सेवा किया। कोई बात नहीं, दोबारा आना, ठीक है? हाँ हाँ। सो अंकल आंटी एंड भैया वहाँ पर है, काम कर रहे, तो हम लोग अभी वहाँ पर जाएंगे मिलने। हमारे साथ आरू आ रही है, आरू लेकर जाएगी। चलो आरू आगे। अंकल आंटी मीन्स आरू की दादा दादी, मुझे नहीं पता क्या कहना है, बट मैं खुद से अंकल आंटी कहता हूँ उन्हें। वहीं पर छोटी दीदी भी है, आई मीन जीजू की बहन, तो उन्हें भी मिल लेंगे। अंकल जी हाँ? चलो हम लोग जा रहे, बाय बाय, नमस्ते, मिलते बाद में, थैंक यू हमारी इतनी सेवा करने। आंटी जी बाय बाय। किधर किधर लेके जा रहे हो मुझे? मच्छी मारे? हाँ मच्छी मारे। किधर? अच्छा इधर मच्छी मारे? अरे इधर मेरा मेरा पैर जा रहा है अंदर, लगता है खेती गिल्ला है ना इसलिए। मामा के लिए जा रहे, घर में बंद कर अब। आई थिंक सो मैंने इन्हें डिस्टर्ब कर लिया, बीच में खेती कर रहे थे, अब मुझे घर पे लेकर जा रहे हमारा विदाई करने के लिए। हाँ पंकज भैया मैं जा रहा हूँ, चलिए मिलते। थैंक यू घुमाने के लिए, हेल्प करने के लिए। आंटी आप क्या दे रहे हो? नहीं 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 कुछ मत दो, पहले से दो बैग है, हम लोग बाइक में नहीं लेके जा पाएंगे। दो बैग है दीदी, कैसे लेके जाएंगे?
दीदी मत दो, हम लोग नहीं लेके जाएंगे, वो बहुत है बैग, बैग पहले से ऊपर से देखो कितना भरा हुआ है, और मेरा भी बैग है, जाने दो मत दो, दिक्कत होगा ले जाने में। इसी को पकड़ने का पीछे सब, ये बेचारा पीछे भी पकड़ा है, ये भी पकड़ेगा। हाँ पर उसमें नहीं आएगा, रहने दो, उसमें नहीं आएगा। दीदी चलो बाय बाय, थैंक यू, चलो दीदी बाय बाय, बाय बाय ना, पैर मत छोड़ो। और सबको आरू आ जा इधर आ, मामा मिलो ना बच्चा। बाय बाय, सॉरी सॉरी लग गया, चल टाटा, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे ठीक है। फाइनली हम लोग निकल चुके घर के लिए, लेकिन दीदी और आंटी ने इतना सामान दे दिया कि अभी लेके जाने में प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअली हमें एक छोटा सा थैली दिया था, थैली देने के बाद उसमें पकड़ने के लिए नहीं था, तो उन्होंने ये एक्स्ट्रा थैली दे दिया, एंड एक्स्ट्रा थैली में भी एक्स्ट्रा और दे दिया, तो कुछ ज़्यादा ही वजन हो गया, तो अभी हमें साइड में रोकना पड़ रहा है, अभी इस बैग में डालेंगे, आई होप इसमें फिट हो जाए। आ रहा है क्या? नहीं आएगा, मुश्किल है, मुश्किल है, बैग फट जाएगा, नहीं आएगा। छोटे वाले बैग में से कपड़ा निकाल लेके कुछ इसमें डाल देते हैं, छोटे वाले बैग में आ जाएगा। सो फिलहाल ये बैग में तो नहीं आ रहा, ये बैग में काफी हमारे कपड़े भरे हुए, एंड ये भी ज्यादा बड़ा और वजन है थोड़ा, तो अब समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, क्योंकि हमारे पास अभी 3 लोड हो गया, एंड बाइक में ऐसा पीछे वाला इंसान पकड़ के चलेगा एंड तो आ जाएगा ना, काफी उसे भी दिक्कत होगी, एंड मुझे भी आगे रहकर चलाना पड़ रहा है तो मुझे भी दिक्कत होगी। वैसे तो अभी 30-50 किलोमीटर कुछ पता नहीं चलेगा, बट आगे के जो किलोमीटर्स होंगे उसमें काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि लॉन्ग राइड है, स्टार्टिंग में तो फ्रेशअप रहता है आदमी, तो उसे मज़ा आता है चलाने, बट आगे जाके थोड़ा थोड़ा जैसे थकान बढ़ती रहती है, वैसे फिर बॉडी पेन सब कुछ होना चालू हो जाता है। आई थिंक सो हमें 2-3 स्टॉप लेकर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि 120-130 किलोमीटर है यहाँ से। ये साइड से ऐसा दबा देना ना, पकड़ो, गिरना नहीं चाहिए पर। ओ भाई ये बनने होगा, ऐसे ना तैसे हमने इसमें फिट कर दिया है, आप देख सकते हो कितना जाड़ा हो रखा है बैग। अब हमारे पास टोटल 2 सामान हो गए, बट वजन तो उतना ही है, बट ऐसा है कि पीछे इसे 3-3 चीज नहीं पकड़ना पड़ेगा, अभी सिर्फ 2 ही पकड़ना पड़ेगा, तो फटाफट निकलते, हमें वहाँ पर भी जल्दी पहुँचना है। एक तो मुकेश परेशान हो गया अकेले रहकर, वो बोल रहा है तू कब आ रहा है, सो अभी बस चलते एंड जल्दी मिलते उसे। अभी फिलहाल के लिए बैग तो मैंने आगे पकड़ा है, अगर मुझे ज़्यादा दिक्कत होगी, थकान होगी, तो मैं पीछे दे दूँगा, थोड़ा उसको भी रिलैक्स फील होना चाहिए, वो भी ज़्यादा थकेगा, इसलिए सोचा कि मैं भी आगे पकड़ लेता, अब देखते आगे जाके क्या प्रॉब्लम होती है। सो फार सो गुड, अभी तक हम लोग ने टोटल 90 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिया है, एंड आज भी हम लोग वही जगह पे आए जहाँ पर हम लोग पिछले टाइम रुके थे, आई मीन जब दीदी के घर पे जा रहे थे। सो अभी यहाँ पर 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद निकल जाएंगे, एंड स्टिल मैंने ये अभी तक अपने पास ही रखा, क्योंकि मुझे राइड एकदम कंफर्टेबल लग रही है, कुछ टेंशन नहीं है। एक्चुअली पहले काफ़ी हिल रहा था, बट पीछे मैंने क्लिप लगा लिया है, तो अभी एकदम टाइट है एंड एकदम परफेक्ट हुआ है, सो राइड एकदम कंफर्टेबल हो रहा है, इसलिए मैंने अभी पकड़ के रखा, मैं ही लेके जाऊंगा अभी पूरा, और 30 किलोमीटर्स बाकी है। फाइनली रीच्ड होम, काफ़ी मज़ा आया, अच्छा राइड था और सेफ राइड था, बट हम लोग को मार्केट में थोड़ा टाइम लग गया, मार्केट में मुझे प्रमोद लेकर गया था, वहाँ का छोला खिलाया, छोला काफ़ी अच्छा था, एंड देन उसके बाद हम लोग ने गाजर का हलवा भी खाया, सो पेट तो एकदम फुल टाइट है, बट अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं प्रमोद और राहुल के घर पे। बैक होम फ्रेश हो चुका हूँ, कपड़े भी चेंज कर लिए, अभी सबसे पहला जो काम है वो ये करेंगे जो यहाँ का ट्रेडिशनल है। एक्चुअली इतना दूर से आया तो मुझे मुकेश ने भी वापस मिठाई लाके दे दिया, आई मीन गुलाब जामुन, तो फिर ये खा लेते, उसके बाद अपने दोस्तों के साथ बातें करेंगे। यहाँ पर आके मैंने इनके साथ दोस्ती कर ली है, मेरे दोस्त काफ़ी वेट कर रहे थे मेरा। तो अभी हम लोग निकल चुके कामूपुर मार्केट में, जो कि गांव के नज़दीक है, आई मीन छोटा मोटा मार्केट है, तो वहां पर मुकेश की मम्मी गई है एंड दीदी भी गई है, कुछ सामान है जो कि हम लोग लेकर आएंगे, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। आंटी दीदी और भाई हमें मिल चुके हैं, बट जब तक वो लोग अपने कपड़े की शॉपिंग कर रहे हैं, तब तक हम लोग यहाँ पे मार्केट में आए सब्जी लेने।
फाइनली शॉपिंग हो चुकी है एंड हम लोग ने जो मार्केट से सब्जी लिया था वो भी लेकर हो चुका है। अभी फिलहाल सारा का सारा चीज हम लोग लेके जा रहे हैं। एक्चुअली मुकेश का भाई भी आया था आंटी और दीदी को लेकर एंड दीदी के साथ बच्चा भी था। मुझे ये बात सुन के अच्छी नहीं लग रही कि ये लोग ट्रिपल सीट आए थे एंड गाड़ी में आए थे, बट क्या कर सकते हैं, गांव में कार नहीं है सो इन्हें बाइक के साथ ही काम चलाना पड़ता है। तो बाइक में मुकेश का भाई आंटी और दीदी और छोटे बेबी को लेकर गए, इसलिए हमें ये सब लेके जाना पड़ रहा है। पूरा टोटल हम लोग ने ले लिया है एंड अभी हम लोग घर की ओर जा रहे हैं। तो चलिए व्लॉग को इसी के साथ यहाँ पर एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।